इंडिया वेस्ट इंडीज तीसरा वनडे मैच, श्रेयस अय्यर और ऋषभ पंत ने जमाई 50, लेकिन ऋषभ पंत 56 रन बनाकर हुए आउट। क्या पूरी खबर दोस्तों, जानने के लिए बने रहिए वीडियो लास्ट तक। भारत और वेस्ट इंडीज के बीच खेले जा रहे तीसरे वनडे में रोहित शर्मा ने टॉस जीतकर बैटिंग का फैसला किया। 30 ओवर तक इंडिया ने 4 विकेट खोकर 156 रन बना लिए हैं। श्रेयस अय्यर और सूर्य कुमार यादव क्रीज पर मौजूद है। इससे पहले ऋषभ पंत और श्रेयस अय्यर के बीच 110 रनों की पार्टनरशिप हो चुकी थी। वनडे में श्रेयस अय्यर का 9वां और पंत का 5वां शतक पूरा हुआ, लेकिन ऋषभ पंत 56 रन बनाकर आउट हुए। अल्जारी जोसेफ ने पारी के चौथे ओवर में टीम इंडिया को 2 बड़े झटके पहुंचाई। ओवर की तीसरी गेंद पर उन्होंने कप्तान रोहित शर्मा 13 को बोल्ड किया और 5वें विकेट के रूप में विराट कोहली को शून्य पर आउट कराया। टीम इन दो झटकों की संभल नहीं पाई थी कि ओडीआई स्मिथ ने शिखर धवन को आउट कर वेस्ट इंडीज को तीसरी सफलता पता दिलाई। भारत ने 3 विकेट केवल 42 रनों के अंदर गवा दिए थे। विराट कोहली 15वीं और वेस्ट इंडीज के खिलाफ तीसरी बार वनडे में शून्य पर आउट हुए। कोहली ने पिछली 21 पारियों में शतक नहीं लगाया है। ये लगातार 11वीं वनडे सीरीज है जिसमें कोहली ने शतक नहीं लगाया है। इस सीरीज में विराट ने 8.65 की औसत से 26 रन बनाई। पारी में 8 रन बनाने के साथ ही रोहित शर्मा अहमदाबाद के स्टेडियम में सबसे ज्यादा वनडे रन बनाने वाले तीसरे बल्लेबाज बन गई। उन्होंने सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़ा। रोहित से आगे क्रिस गेल और राहुल द्रविड़ के नाम आते हैं। सो दोस्तों, क्रिकेट की ऐसी खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।